हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ये डिज़ाइन नया बता रही हूँ। देखिए, बहुत सुंदर दो रंग का डिज़ाइन है और बहुत इजी है बनाने में भी, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो इसको बनाना अभी मैं बता रही हूँ आपको। ये दो रंग से बनाया गया है, देखिए बहुत सुंदर फ्रेंड्स ये। मैं आज आपको बता रही हूँ इसको बनाना। तो इसमें जैसे अभी तीन ग्रीन और एक ऑरेंज है, तो अभी ये कलर चेंज हो जाएगा इसमें। अभी इसमें क्या करेंगे हम, ये सेंटर का एक ये वाला ले लेंगे, ये वाला जो है सेंटर का, इसको सेंटर में ले लेंगे और ये तीन दूसरे कलर से बनाएंगे। अभी ऑरेंज कलर हमें लेना है और इसमें हमें एक, ये दो और एक, ये तीन, ये हमने तीन बुन लिया। अब आपको ये वाला उठा लेना है ऐसे बिना बुने। फिर आपको तीन बनाना है, एक दो तीन, और फिर एक फंदा उठा लेना है बीच वाला। फिर तीन बनाना है आपको, फिर आपको एक फंदा ये उठा लेना है। इस तरह पूरी लाइन करनी है। फर्स्ट लाइन ऐसे ही बनाओगे आप। ये जो ग्रीन वाला बीच वाला है, तीन तीन ग्रीन थे, उसके बीच वाले को उठा लेना है, और एक ग्रीन और एक ऑरेंज और एक ग्रीन ये बुन लिया हमने। और फिर जो ये ग्रीन आया इसको उठा लेना है और बिना बुने, और फिर ये तीन। इस तरह से पूरी लाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। उल्टे साइड में फिर आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। ये हमारी लाइन होने वाली है पूरी। अब उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये बताती हूँ मैं अभी आपको। उल्टी सिलाई में भी ऑरेंज से ही बुनेंगे हम। जो बुने थे फंदे, वही फंदे बुनने हैं हमको। तो ये जो दो ऑरेंज है लास्ट में आया है, इसको दो ऑरेंज उल्टे साइड से सीधा बुनेंगे ऐसे, इस तरह से। और फिर धागा पीछे लोगे और ये ग्रीन वाले को उठा लोगे, जो बिना नहीं था, बिना बुने उठा लोगे, धागा उस तरफ करोगे, फिर सीधा, फिर धागा पीछे, जो बुना नहीं था उस फंदे को उठा लोगे, फिर धागा पीछे, फिर तीन सीधा, उल्टे साइड से सीधा बुनना है तीन। फिर धागा आगे अपनी तरफ, फंदे को उठा लिया और धागा फिर पीछे, और फिर पूरा ये बुन लोगे। इस तरह से पूरी लाइन बनानी है फ्रेंड्स हमको। और सीधे साइड से फिर वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट लाइन बताई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कलर चेंज करके कैसा करना है हमको। मान लीजिए ये आपका पहला था डिज़ाइन नीचे से शुरुआत, उसके बाद आप कलर कैसे चेंज करोगे ये बता देती हूँ मैं। अब हम ग्रीन से बनाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद ये उल्टी सिलाई हो गई हमारी, अब सीधी तरफ आ जाएंगे और अभी हमें ग्रीन से बनाना है ऑरेंज को छोड़ के। अब हमें कैसे करना है फ्रेंड्स, अब तीन ऑरेंज और एक ग्रीन है, तो अभी हमें तीन ग्रीन करके एक ऑरेंज करना है। तो यहाँ पे आपको
ये एक आपने बुन लिया, और फिर ये एक उठा लोगे ऑरेंज, फिर आपको ये तीन ग्रीन बनाना है। फिर ये बीच वाला ऑरेंज उठा लोगे और ये तीन ग्रीन बनाना है। ये इस तरह से आ जाएगा पंछी। अब फिर एक ऑरेंज उठा लेंगे और तीन ग्रीन बना लेंगे। फिर एक ऑरेंज उठा लेंगे, फिर तीन ग्रीन बना लेंगे। ये बीच की जो लाइन चल रही है ऑरेंज की, इसी में उठाते जाना है फ्रेंड्स। आपको ये ध्यान रखना है कि यही वाला लाइन चलेगा सीधा। फिर तीन ग्रीन बना लिए, फिर एक ऑरेंज उठा लिया, फिर तीन ग्रीन बना लिए। फिर एक ऑरेंज उठा लिया, फिर तीन ग्रीन बना लिया। ये हमारी लाइन कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस उल्टी सिलाई में आपको मैंने बताया था कि जो हमने बुने हैं उसी को बुनना है, और जो हमने फंदा उठाया है उस फंदे को उठाना है। अब जैसे ये ऑरेंज हमने उठा लिया था, इसको उठा लोगे इसी तरह से, और अब आपको ये धागा पीछे करना है और इसको सीधा बनाना है तीनों को। फिर धागा अपनी ओर लोगे, इस फंदे को उठाओगे, धागा पीछे और तीन सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, फंदा उठा लोगे, धागा पीछे फिर तीन। धागा अपने तरफ, ये फंदा उठा लोगे, फिर धागा पीछे और फिर ये तीन जो बुना था उसको सीधा बना लेना। फिर धागा सामने, फंदे को उठा लिया, फिर धागा पीछे और ये तीन सीधा। फिर धागा अपने सामने, अपनी तरफ, ये फंदा उठा लिया, धागा पीछे तीन सीधा। अब फिर जब सीधी सिलाई में आएंगे तो फिर कलर चेंज हो जाएगा, फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बताया था। बनने वाला फ्रेंड्स ये, बन गया फ्रेंड्स। देखिए ये इस तरह बनेगा फ्रेंड्स। ये 3 दिन का आपको याद रखना है, 3 दिन के हिसाब से आपको फंदा डालना है, और 2 आप साइड में एक्स्ट्रा डाल सकते हो। तो ये फ्रेंड बहुत इजी है, ये कोई भी 2 कलर ऑपोजिट कलर्स लेके आप बना सकते हो। बहुत सुंदर डिजाइन है ये, कोई भी स्वेटर में आप डाल सकते हो, और बहुत इजी भी है। तो आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, और मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको। थैंक यू।